प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शनिवार को रोहतक में आयोजित परिवेदना समिति की बैठक में पहुंचे और उन्होंने लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया और इसके साथ ही कई अहम जानकारियां दी हैं। रोहतक में शनिवार को जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की। इस बैठक में आई कुछ शिकायतों का उन्होंने मौके पर ही निपटारा किया, जबकि बाकी शिकायतों के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए, जिसकी जानकारी उन्होंने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। चार एजेंडा पेंडिंग रहे थे, वो चारों एजेंडा अपॉन सेटिस्फेक्शन आज डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हैं। उसके उपरांत 12 एजेंडा नए थे, उन 12 के अंदर से भी 6 पर लोगों की सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर दी गई है। 6 एजेंडा अगली ग्रीवेंस के लिए रिपोर्ट अनुसार पेंडिंग है, जिसमें 4 एजेंडा माइनर के हैं और 2 पॉलिसी और फैक्ट चेकिंग के हैं, जिसके ऊपर कमेटियां गठित कर दी गई है और कमेटियां अगली ग्रीवेंस कमेटी को अपनी रिपोर्ट दें। 3 एडिशनल एजेंडा आज आए थे, एक ओमैक्स बिल्डर का, एक डेयरी शिफ्टिंग का और एक कोई पावर लाइन शिफ्टिंग का था, उनके लिए भी टाइम बाउंड एक्शन के आदेश दे दिए गए और अगली ग्रीवेंस में उनमें से 2 एजेंडाज को हम टेकअप करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में भारी बरसात और बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा इसी महीने के आखिर तक मिल जाएगा। इस बारे में सभी जिला के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज आदेश दे दिए गए हैं पटवारियों को, जहां जहां पटवारियों की कमी है वहां क्षतिपूर्ति सहायकों के भी डिप्टी कमिश्नर्स के पास लेटर आए हैं। मैं अभी रोहतक आ रहा था तो आपके कथुरा और इस बेल्ट के अंदर कई गांव रोहतक के हैं, कई गांव सोनीपत के हैं, वहाँ भी पानी खड़ा है। मैंने आते ही डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि इसकी तुरंत रिपोर्ट भेजी जाए वेरीफाई कराकर कि हम इस महीने के अंदर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भी और एक्सेसिव रेनफॉल में किसी के क्रॉप लॉस हुआ है उसका मुआवजा समय अनुसार देना है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नुहू में हुई हिंसक घटनाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एडीजी रैंक के ऑफिसर्स लॉ एंड ऑर्डर की ममता सिंह जी पूरी इस इन्वेस्टिगेशन को देख रही है। आज सुबह तक की जो मेरी संज्ञान में है 102 FIR हो चुकी है, अनेकों लोगों को रिमांड पर भी और जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया है। मीडिया, सोशल मीडिया और अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशंस के अंदर जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है उनको मॉनिटर किया जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई, मुझे लगता है हम ही नहीं सभी लोग चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ हो जिनने हरियाणा जैसे अमन शांति वाले प्रदेश में इस तरह की घटना को उकसाया है। डिप्टी सीएम ने ये भी बताया कि प्रदेश में मेडिकल की तर्ज पर एविएशन बॉन्ड पॉलिसी तैयार की जा रही है। एविएशन सेक्टर में युवाओं को बेहतर कैरियर का मौका मिलेगा। युवाओं को पढ़ाई के लिए कोई खर्च नहीं करना होगा, बैंक सारा खर्चा करेंगे, सैलरी से पढ़ाई का खर्चा बाद में कटेगा। जल्द ही पूरी पॉलिसी तैयार होगी। एविएशन सेक्टर में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये पॉलिसी लाई जाएगी। सरकार गारंटर के तौर पर काम करेगी, जिससे ऋण लेने में कोई दिक्कत न आए। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज़।